लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर मैंने शायद कुछ एक शीट का होमवर्क दिया था आपको, है ना? तो उस शीट को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने कोर्स पे आगे चलते हैं. शीट नंबर बताओ पहले कौन सी थी. ओके, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 40. ओके, 40. ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 40 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1. कितने में ट्राई की पहले बोलो ये शीट. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट तो बोलो. 1 में डाउट. ड्यूरेशन ऑफ द डे, अर्थ अगर सडनली श्रिंक हो जाती है 1/64th ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मास रिमेनिंग दी सेम. तो पहला एक काम करेंगे, अगर अर्थ श्रिंक होती है तो आई वन इंटू ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा टू. और क्योंकि वॉल्यूम जो है नया वो 1/64th ऑफ पुराना वॉल्यूम, नया वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई इंटू आर टू क्यूब. 1/64 टाइम्स 4/3 पाई आर वन क्यूब. कोई डाउट इसमें? क्यूब रूट लेंगे तो ये आर टू, ये कितना आएगा 1/4 टाइम्स आर वन, यानी कि रेडियस जो नया होगा वो पुराने रेडियस से 1/4 हो जाएगा. तो आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू. तो पुराना आई क्या है 2/5 mr² और ओमेगा इज 2π/24 hours. नया आई टू क्या होगा 2/5, मास रिमेनिंग द सेम, रेडियस की जगह आर बाय फोर का होल स्क्वायर, ठीक, 2/5 mr² इनटू 2π/T2. सॉल्व करो, T2 कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आएगा 1. R2 इज इक्वल टू 2/5 mr² क्यूब रूट लेंगे. हाँ तो इसका क्यूब रूट R हो गया, इसका क्यूब रूट 64 का 4 हो गया, 4 × 4 × 4 16 × 4 16, नहीं ठीक है, ठीक किया, क्यूब रूट 64 का 4 ही है, ठीक है, तो ठीक किया मेरे को लगता है, आर बाई फोर डन हो गया. तो यहाँ से आंसर कितने होगा, ठीक हो गया था ये, ऐसे ही किया, ठीक किया, ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन चेक करना. क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 2 में मेरे को लगता है आंसर सही नहीं आ रहा, डी आंसर आना चाहिए. जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मुझे लगता है इसका आंसर डन आना चाहिए. अच्छा फिगर नहीं है, ओके फिगर बना लेते हैं. फिगर है कि आपके पास एक स्टिक है जिसकी लेंथ L है और मास M है, एक टेबल के ऊपर है और बॉल ऑफ मास M मूविंग विद द स्पीड ऑफ V कोलाइड्स इलास्टिकली विद द स्टिक. तो ऐसे करते हैं, ये हमने लास्ट टाइम क्या हमने किया था स्टिक वाली प्रॉब्लम कोलिजन्स, हाँ हमने की थी. हमने कहा था ये स्टिक है और सपोज ये कोई मास M मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ V से हिट करेगा यहाँ पे, और कितनी दूरी पे हिट करेगा जो ऑप्शन देके अंदाजा लगा रहा हूं वो पक्का डी गिवन होगा. तो ये फिगर मिसिंग है, इसमें फिगर ड्रॉ कर लो प्लीज. ये इसकी फिगर है और ये इसको हिट करके रेस्ट पे आ जाता है. आपको इसमें क्या निकालना है, मास ऑफ द बॉल सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, ठीक, यही है, आ रहा है आंसर, ए आ रहा है. अच्छा एक मिनट, और ये हिंज्ड भी नहीं है मेरे को लगता है, ये हिंज्ड भी नहीं है, उसने बोला नहीं कि ये हिंज्ड है, हम हिंज का चक्कर डालेंगे नहीं इसमें. ये मेरे को लगता है ये वही क्वेश्चन नहीं जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था कि जिसमें एक इक्वेशन हमने ली थी उसकी mv into d is i times omega, एक इक्वेशन तो ये बनाई थी हमने
एमवी जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में कि जो बुलेट ने एंगुलर मोमेंटम लगाया वो एमवी आर लगाया और रॉड का क्या हुआ आई टाइम्स ओमेगा। तो ए की क्वेश्चन बनी थी एमवी इनटू डी इज आई की जगह हमने यहां पर क्या पुट करना है एम, ये स्मॉल एम है पहली बात, तो ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है एम एल स्क्वायर बाय 12 इनटू ओमेगा। एक तो ये क्वेश्चन बनाई थी हमने, फिर शायद दूसरी क्वेश्चन मैंने बनाई थी किससे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर क्या किया था, जो बुलेट है उसकी ये वेलोसिटी है और स्टिक जीरो पे है और टक्कर के बाद क्या हो जाता है बुलेट जीरो पे आ जाता है और स्टिक मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन आई थी। और तीसरी इक्वेशन मैंने बनाई थी जिसके अंदर हाफ एम यू स्क्वायर बुलेट की एनर्जी विल बी इक्वल टू स्टिक के पास क्या एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ मास इनटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने कोलिजन्स में एंड में दो स्टिक के क्वेश्चन किए थे, जो दूसरे वाला क्वेश्चन है उसी का सोल्यूशन है। तो जो दूसरा क्वेश्चन किया था मैंने इस शीट में से देख के ये क्वेश्चन को ही सॉल्व किया था, तो आप प्लीज रिवाइज करें। जो स्टिक मैंने दो क्वेश्चन करवाए थे, एक स्टिक रेस्ट पे घूमती मतलब हिंज्ड है तब घूम रही है, विदाउट हिंज घूम रही है, जो विदाउट हिंज घूम रही है ये वही सेम केस है, उसी को बस मैंने सॉल्व नहीं किया था। आप उसी शीट में उसको सॉल्व करके देखना तो वहां से एम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है इसमें ए आ रहा है, ओके सॉरी, तो फिर प्लीज इसका ऑप्शन डी की जगह ए ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेथड वही है, ट्राई आप ही को करना है। आपके पास इक्वेशंस हैं उन्हें साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है। हो गई तो आ गए, आ चुके आ चुके हैं। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक तो इक्वेशन मैंने बना के दी थी, आपको उसे सिर्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री बोलो, कोई डाउट? थ्री क्लियर है? थ्री में अर्थ फिर से सडनली छोटे रेडियस की हो चुकी है आर बाई एन, ये क्लास में किया था हमने लास्ट टाइम जिसके अंदर मैंने ये करवाया था, सेम केस है, बस रेडियस यहाँ पर क्या करना है आर बाई एन, टी टू निकाल लेना आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री में बस कुछ नहीं करना, R की जगह R2 की जगह R by N करना है और आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? करके देख लेना, T1 आपको गिवन है और वहां से T2 कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? ये शीट का ही क्वेश्चन था, मुझे लगता है हमने किया था अर्थ श्रिंक वाला, यही क्वेश्चन था सेम। क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, फोर में डाउट है, आंसर मैच नहीं कर रहा, हो सकता है मैच ना करे, मुझे कुछ डाउट लग रहा था किसी क्वेश्चन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क, ओके क्वेश्चन नंबर फोर में एक डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर है, इट इज रोटेटिंग विद, ये रोटेट कर रही है जिसमें ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 100 रेडियंस पर सेकेंड। एक डिस्क जेंटली इसके ऊपर रख दी और आइडेंटिकल डिस्क है, हमने किया था डिस्क के ऊपर डिस्क रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो एक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो मैंने इस डिस्क के ऊपर आइडेंटिकल एक डिस्क रख दी तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया I1 एंड I2 और ये क्या हो गया ओमेगा 2। तो इसके अंदर I1 into ओमेगा 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 into ओमेगा 2। तो आपको ये 1 गिवन है, ओमेगा 1 आपको 100 गिवन है, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ओमेगा 2 निकालना है, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 50 रेडियंस पर सेकंड इज द आंसर। तो ऑप्शन है इसमें, अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कोई बात नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में पहले एनर्जी कितनी थी हाफ I1 into ओमेगा 1 स्क्वायर, अब कितनी है हाफ I1 प्लस I2 into ओमेगा 2 स्क्वायर, तो हाफ इंटू आई वन की जगह 1, ओमेगा 1 की जगह 100 का स्क्वायर, हाफ I1 प्लस I2 1 प्लस 1, ओमेगा 2 कितना है यहां पर 50 का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये आंसर किसमें चल रहा है जूल में, हमें किसमें निकालना है किलो जूल में, तो मुझे लगता है इसका आंसर आना चाहिए 2.5 है क्या, इसका आंसर सही आ रहा है क्या, 2.5 आना चाहिए मुझे लगता है ये आंसर आएगा इसका। पर मेथड समझ में आ रहा है कि पहले आपने ओमेगा निकालना है उसके बाद चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, राइट?
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में फिक्स क्वेश्चन फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम क्या गिवन है 1 रेवोल्यूशंस पर 16 सेकंड, यानी कि 16 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हैं 1, तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन है 1 डिवाइडेड बाय 16 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो ये क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है F1, ठीक। तो यहां से ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई इनटू 1 बाय 16 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है यहां तक ओमेगा 1 गिवन है। और वो कह रहा है कि कितना चेंज हो गया 1 रेवोल्यूशन पर 16 सेकंड टू 1 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो आपको फाइनल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 1 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो यहां से ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई इनटू 1 रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई। पॉइंट समझ में आया था, ओमेगा 1 आ गया ओमेगा 2 आ गया, आपको इसमें क्या निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इन टू केसेस, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे आएगा यहां से आए एक एक करके बोलो, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कह रहे बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो आई वन इंटू ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा टू, तो आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू ओमेगा टू बाई ओमेगा वन, ओमेगा टू हमारे पास है ओमेगा वन हमारे पास है, रेशियो आ गई। आई वन को पुट कर लेना एम इंटू के वन स्क्वायर, आई टू को पुट कर लेना एम इंटू के टू स्क्वायर, रेशियो हमारे पास है, तो यहां से के वन और के टू की क्या जाएगी रेशियो आ जाएगी, निकाल लोगे ओमेगा की रेशियो पता है तो वहां से के की रेशियो के नाउ सो भी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7 तो शीट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8 भी हो गया एक डाउट है, ये बीड्स वाला क्वेश्चन हमने किया था याद है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक ये रॉड है, ये बीड्स बिल्कुल इसके एक्सिस पे पड़े हुए हैं स्मॉल m और ये रोटेट कर रही है विद ओमेगा नॉट, थोड़ी देर में क्या हो जाता है बीड्स बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2 L/2 और आपको ओमेगा निकालना है, तो मैंने बताया था कि आई वन इंटू ओमेगा वन विल बी इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा टू, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना है ML² / 12 इंटू ओमेगा नॉट, बाद में कितना हो गया ML² / 12 तो है ही है, जो बीड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो बीड्स हैं ट्वाइस इंटू ओमेगा, यहां से सॉल्व करके ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, किया था हमने लास्ट टाइम सेम क्वेश्चन था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9th में कोई डाउट, 9th अर्थ वाला सेम क्वेश्चन है, तीसरी बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th तो मैं करना चाहता हूं 10th क्वेश्चन, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10th को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे काइनेमेटिक्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी हाफ mv², लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके लिखा था p² / 2 times m, पी फॉर लीनियर मोमेंटम याद है p² / 2 m, वर्क एनर्जी पार में काफी हमने इसको यूज किया, बिल्कुल वैसे रोटेशनल मोशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू p की जगह बोलो क्या l, m की जगह बोलो क्या i, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक लिख लेना कहीं शीट पे लिख लेना या जहां भी लिखना चाहते हो ताकि आप एक बार इसको देख सको, तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन है, ठीक। अब आपने आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि अगर L की वैल्यू सेम है दो केसेस में,
एल सेम है तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, क्योंकि आई वन आई टू से क्या है बड़ा, तो एनर्जी ई टू ई वन से क्या हो जाएगी छोटी। आंसर ठीक है, तो इसमें उल्टा रिलेशन हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, तो क्योंकि एनर्जी जो है रोटेशनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब, अगर एल क्या है कॉन्स्टेंट। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, 11 हो गया नहीं हुआ किसमें? ई टू बड़ा होगा, सॉरी राइट, क्योंकि ई टू आई टू छोटा है तो ई टू बड़ा होगा, राइट सही है, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक सर्कुलर रिंग है, देयर इज अ रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर एंड इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा। टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, दो छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं स्मॉल एम, स्मॉल एम हमने इसके एक्सिस पे डाल दिए जेंटली प्लेस, तो आपको ओमेगा निकालना है, क्या होगा? ये रॉड वाला सेम प्रॉब्लम है, आई वन इंटू ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा टू। पहले आई वन बोलो कितना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बाद में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है ही है, पॉइंट मासेस का भी एड हो जाएगा। एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और ऐसे कितने पॉइंट मासेस है, दो, तो टू टाइम एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा डैश, तो यहां से ओमेगा डैश निकाल लेना, इसको नीचे ले जाना, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर आएगा, हो जाएगा सॉल्व। ये पीछे गलत है इसका आंसर, मुझे क्यों सही है, पीछे गलत है, इसका आंसर क्या है, सी, ओके सी करेक्ट कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 सेम है 13 भी सेम ही लग रहा है, रिपीट लग रहा है मुझे, 13 आज वो किया था टॉर्क वाला जो उधर, सेम है 13 भी रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 14 किया था हमने, एग वाला क्वेश्चन लास्ट जब लेक्चर खत्म किया था जाता हुआ, कि रॉ एग एंड हार्ड बॉइल्ड एग आर मेड टू स्पिन विद सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा, सेम है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू स्टॉप विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो वैसे तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि टाइम टेकन टू स्टॉप निकालना है, वैसे तो देखो जो तो बॉइल्ड एग है उसका आई क्या है कम, उसका ओमेगा क्या है ज्यादा, वो ज्यादा घूमेगा, ज्यादा घूमेगा तो टाइम टेकन ज्यादा लगाएगा, तेज 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 घूमेगा तो उसका जो ओमेगा क्योंकि ज्यादा होगा तो रुकने में टाइम भी ज्यादा लगाएगा। जो रॉ है वो क्योंकि रॉ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ज्यादा, लिक्विड बाहर की तरफ हो जाता है, जिससे कि ओमेगा क्या हो जाएगा कम, ओमेगा कम है वो स्लो घूम रहा है तो रुकने में टाइम भी कम लगाएगा, तो जल्दी रुक जाएगा। तो वहां से आप इसका लॉजिक लगाना। और 15th में व्हेन सैंड इज पोर्ड ऑन रोटेटिंग अ डिस्क इट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या डिग्रीज, क्यों? क्योंकि रेत डालने से या सैंड डालने से क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आई इन टू ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है, अगर आई बढ़ना स्टार्ट हो गया तो ओमेगा की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सैंड डालने से क्या होगा, याद रखना आई इंटू ओमेगा क्या है कॉन्स्टेंट, तो अगर आई बढ़ता जाएगा तो ओमेगा कम होता जाएगा। ठीक है यहां तक? तो इस शीट को और आंसर सेम है, ओके हाँ ये तो मैंने पढ़ा नहीं, 14th क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं ठीक तरीके से। रॉ एग एंड हार्ड बॉइल्ड एग आर मेड टू स्पिन विद सेम एंगुलर स्पीड, वो कह रहे हैं ओमेगा ही सेम कर दिया फिर तो बात ही खत्म हो गई। चलो अब ऐसा सोच लो ओमेगा सेम कर दिया फिर कैसे लॉजिक लगेगा इसमें, टाइम टेकन टू स्टॉप करना है इसमें,
मेरे हिसाब से ऐसे सोच सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जैसे इसने भी सही पढ़ा, कह रहा है ओमेगा तो सेम ही कर दिया दोनों में, एक रॉ एग में और एक बॉइल्ड एग में, कोई बात नहीं, फाइनल ओमेगा क्या होगा, जीरो। तो अगर मैं लगाता हूं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, ये भी सेम दोनों एक्स का, ये भी सेम दोनों एक्स का, फाइनली उनको रुकना है, टाइम मुझे निकालना है। अब गेम एल्फा के ऊपर है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्फा हो जाएगा, जितना बड़ा एल्फा होगा उतना कम टाइम लगेगा। अब क्योंकि रिटार्डिंग टॉर्क एज्यूमिंग दोनों में क्या लगेगा, देखो रोकने का टॉर्क तो सेम है, नहीं तो फिर ऐसे कैसे रुकेगा ही नहीं कभी भी एक, इसका मतलब एज्यूमिंग की रिटार्डिंग टॉर्क सेम है, रिटार्डिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स एल्फा, तो जो बॉइल्ड एग है उसका आई क्या होता है, कम कम, तो उसका एल्फा क्या होगा, ज्यादा, जिसका एल्फा क्या होगा, ज्यादा, उसका टाइम क्या होगा, कम, इस तरीके से भी सोचा जाएगा, ठीक। फिर ओमेगा से नहीं सोचेंगे ना, अब एल्फा से सोचेंगे इसे, ठीक। तो अब देख लो बॉइल्ड एग का आई क्या है, कम, बॉइल्ड है चिपका हुआ एक्सेस से ज्यादा, कम, तो एल्फा क्या होगा, ज्यादा, एल्फा ज्यादा तो टाइम कम, तो एल्फा जो है टाइम कम है, ठीक है, बॉइल्ड एग का मतलब लॉजिक चेंज हो गया। तो पहले मुझे लगा कि शायद वो ऐसे ही पूछ रहा है कि ओमेगा के बारे में, पर ठीक है उसने सही पढ़ा कि ओमेगा सेम है इनिशियली और फाइनल ओमेगा भी जीरो दोनों के लिए, तो फिर सारी गेम एल्फा के ऊपर रहेगी। अब क्लियर यहां तक, तो ये शीट नंबर 4040 को करते हैं क्लोज, ये लो पकड़ो, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आज फ्रिक्शन के ऊपर है। लाइट